नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज लेकर आया हूं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर उत्तर प्रदेश रीजन इन ईएसआई कॉरपोरेशन। ईएसआई कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैकेंसी तीन तरह की आई हुई है, जो है अपर डिवीजन क्लर्क की, स्टेनो की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तीन वैकेंसी आई हैं और यह क्षेत्रीय रीजन के तहत है, जो कि कानपुर क्षेत्र में है। कानपुर क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश का रीजन है, जो कानपुर क्षेत्र में इसका मुख्यालय बना हुआ है। जो इसके अलावा देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी की डिटेल किस प्रकार हैं और कैसे पेपर होना है, क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, सिलेबस में क्या है, इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर देंगे। तो पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क में 36, स्टेनोग्राफर टोटल 5 वैकेंसी और एमटीएस में 119 मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ठीक है। अनारक्षित की ये वैकेंसी एससी एसटी वाइज और ओबीसी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में बताएं स्केल ऑफ पे, तो अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसी ये लेवल 4 की वैकेंसी है 7th सीपीसी के तहत, यानी कि 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 4 पर आता है। 25,500 जिसकी बेसिक है स्टार्ट होगी। एमटीएस में क्या है, पे लेवल 1 पे आएगा, जिसका 18,000 बेसिक स्टार्ट होगा, पहली बेसिक 18,000 की होगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ऑफिस सूट या डेटाबेस। ऑफिस सूट का मतलब हुआ कि एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर में। स्टेनो, स्टेनो के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी है, जो कि 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में होना चाहिए। ये कंप्यूटर पर ही होगा स्टेनो का। तीसरी वैकेंसी है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए अथवा इक्विवेलेंट जो भी बोर्ड है उससे पास होना चाहिए। तो ये तीन वैकेंसियाँ हैं, इनके बारे में ये क्वालिफिकेशन हो गई। अब एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो यूडीसी और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए और 15 फरवरी 2022 तक में, ठीक है, एज पर क्लोजिंग डेट। एमटीएस की 18 से 25 साल होनी चाहिए 15 फरवरी को, और बाकी एज रिलैक्सेशन तो जैसे छूट होता है वैसे ही होता है नॉर्मली। अब आप अप्लाई कर दें, वेबसाइट से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष जानकारी और आपको फ़ीस के बारे में बता दें, तो पेमेंट ऑफ फीस में देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होंगे, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगे, एक्स सर्विसमैन जो होंगे, इनको 250 रुपये लगने वाला है। इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरीज बचती हैं उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। ऑनलाइन पेमेंट केवल करना है आपको। और देखिए इसके बाद, इस डिटेल के बाद आगे आता है सेंटर, सेंटर तो छोड़ दीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात हम करते हैं, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए क्या क्या होने वाला है, तो एक प्री एग्ज़ाम होना है और एक मेंस होना है, तथा कंप्यूटर टाइपिंग होना है, ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होना है इसमें। तो तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क में देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंसन, ये 100 नंबर के 25-25 के चारों होंगे, 100 नंबर टोटल और 1 आवर का पेपर होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो कि प्री में रहेंगी और क्वालिफाइंग का नेचर होगा केवल। मेंस में इसके हिसाब से मार्क्स बनेंगे, मेरिट बनेगी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंसन, वही चारों सब्जेक्ट और 50-50 नंबर के, यानी कि 200 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तीसरा कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड यानी पावर पॉइंट पे काम करना होगा आपको, 10 मार्क्स का होगा। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग, यानी कि एमएस वर्ड में कुछ फॉर्मेट में टाइपिंग करने के लिए दे दिया जाएगा, उस वर्ड में पूरा फॉर्मेट बनाना होगा आपको, वो 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फार्मूला, यानी कि फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एमएस एक्सेल में एक टेबल बनानी होगी, या सारणी कह लीजिए आप, शीट बनाते हैं जैसे रिजल्ट बनाना है कोई, तो उसके हिसाब से बनाना होगा, उसके 20 मार्क्स होंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में, ठीक है। ये हो गया आपका अपर डिवीजन क्लर्क की बात।
दूसरी आती है स्कीम स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आनी है और रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर मेन एग्ज़ाम सीधे होना है, प्री का जैसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि प्री नहीं है, सीधे मेरिट वाला एग्ज़ाम होना है। इंग्लिश 70 की है, रीजनिंग 35 मिनट के लिए और जनरल अवेयरनेस 25 मिनट का, यानी कि टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। सेकंड, उसी में स्किल टेस्ट भी होना है इनका, और स्किल टेस्ट में लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों 50 मिनट और 65 मिनट की आएगी। तो ये हो गया आपके स्टेनो के लिए। अगली स्कीम है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या आने वाला है, तो यहाँ पर प्री मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 आवर सेम जैसे ऊपर हुआ था यूडीसी में, वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ पर होगा आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रिहेंसन, ये 25-25 नंबर के सभी, यानी टोटल 100 मार्क्स नंबर के, और ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा। मेंस एग्ज़ाम जो होगा आपका, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंसन आने वाला है, और टोटल 200 मार्क्स होंगे 50-50 प्रत्येक के, 2 आवर का पेपर होगा। तो ये यहाँ पर कंप्यूटर का कोई टेस्ट नहीं है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो ये इतना आपका पूरा क्वालिफिकेशन और ये पेपर का सिलेबस है। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म भरिए और ESIC की साइट पर जाकर इसको अप्लाई कर दीजिए डेट ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल जिसके बारे में हमने आपको बताया फॉर्म के विषय में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों को अपने बताइए और उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर और भी लेकर के, और हाँ, इससे पढ़ने से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।